केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बगलकोट में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल मत करना, जब भी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं, मैं जानता हूं कि वे विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत में विकसित दोनों टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस नेताओं से सवाल करना चाहते हैं कि आपने देश में 4 पीढ़ियों तक राज किया, अब तक गरीब महिलाओं के घरों में रसोई गैस क्यों नहीं दी? गरीबों के लिए शौचालय, बिजली घर, आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं आई? क्योंकि वे गरीबी को दूर नहीं करना चाहते थे। और मोदी जी ने अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टीकाकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया है। और कांग्रेस वाले टीके पर सवाल उठा रहे। अरे भाई, आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो हम जानते हैं। सिर्फ आप विरोध कर सकते हो, मगर कोई कर रहा है इसको? मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं, हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित है। मोदी जी ने स्वयं इसकी निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मित्रों, कांग्रेस की बातों में मत आना, जिसका नंबर आए डिसिप्लिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा। देखते 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 पूरा देश कोरोना के भय से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से भारत कोरोना के खिलाफ एक सुरक्षा कवच भी बना देगा।